अर्ली मॉर्निंग है सभी भाइयों को, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे टर्की देखो मेरे पीछे कैसा आ रहा या आ रही पता नहीं यार। इसको फीमेल नहीं बोल सकते, मेल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी पहचानने में नहीं आ रहा। मेल की ये वाली जो क्या रहती यार, ये लाल कलर की दिख रही है ना, ये ज़्यादा नीचे रहती है। तो अभी ये बच्चा दिख रहा है मेरे को और वो बड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मेल लग रहा है बट थोड़े जने फीमेल भी बता रहे। देखेंगे उसकी आवाज़ से ना, उतनी तेज़ बड़ी आवाज़ नहीं आ रही इसकी, थोड़ा छोटी आवाज़ आ रही। क्यों बोली तो, इसको क्यों लाए बोल तो, कितने में गिरा है? 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ में गिरा ही है। उसकी आवाज़ सुनते रहे तो मुझे थोड़ा बच्चे की तरह आवाज़ आ रही है, क्यों लाए बोल तो। ये वाली हमारी प्यारी सी टर्की है, तो वो ये टर्की के लिए उसको लाए। टर्की फीमेल है, वो अंडे देकर खुड़क बन गई तो उसके लिए ये लाए। बट दोनों में थोड़ा डिफरेंट तो दिख रहा दो भाई, मिलता क्या इससे? जा रहा है उसके पास, देखेंगे क्या होगा आने वाले टाइम में। थोड़ा सा मुर्गा बोल के भी है, थोड़े लोग मुर्गी भी बता रहे, देखेंगे क्या होगा। दोनों में डिफरेंट तो नज़र आ रहा है दोस्त। मुर्गी वो वाली मुर्गी है ना, थोड़ा सा इसका छोटा है, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया ये। वो बहुत दिन की है, लगभग 2 साल के खरीद की है शायद, वो उधर की बड़ी वाली। तो सारे तो अच्छे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ। हमारे वर्कर्स फिर डाले सुबह डाल देते, आराम से खा लेके बाहर चले जाते, अर्ली मॉर्निंग ही खोलते हैं इनको। तो यहाँ पे पानी बैठा ले, नील बैठा ले, नील नहीं लगा है। हाँ पी लिए क्या ये? हाँ लगा दो, अच्छे से धो के लगा दो। अम्मा अच्छे हो ना आप लोग सब? इसमें चल के देख रहा हूँ, ये बाहर निकाल देना यार, इसकी वजह से चूहे आदत हो जा रही है, दो बाहर निकालना पड़ेगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये कौसा अंडा है ये? अरे भाई ऐसा देखना यार, इधर आओ, ये देखो। ओ भाई यहाँ पे देखो कैसा अटक गई वो, तीन बाहर करके उसको आलू निकालो बाहर। रुको रुक जा मम्मा, रुक जा रुक जा, रुको खींचो मत खींचो मत खींचो मत, पहले टीन को सर का, रुको काका टीन को सर का, उसकी तकलीफ मत होने दो। ये टीन को खींचो यार, निकल गई ना। ओ भाई अगर से मैं नहीं आता तो अभी चले जाता वो शाम तक। भाई देख लेना यार, पाप मासूम सी जान। और एक यहाँ देखो अंडा, देखो वो अंडा उठाओ, दूसरे मुर्गियाँ फोड़ के पी लेते हो नीचे रहे तो। कई का अंडा है इधर उधर, बड़ा दिख रहा हूँ। बस है बस है बस है, रहने दो अभी, वो निकाल दो टीना निकाल दो। ये मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा अंडा आया है, देखेंगे कौन सी दी हमारी, चीनी दी क्या? ये रख दो अंदर, रख दो इधर आ। अच्छे चलो बाहर चलते बाहर चलते। मस्त है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है ये वाले पार्टीशन में। अभी यहाँ पर हमारे बदक है, मैं हाथ बताऊंगा तो देखो कैसा आते हैं। अब आ जाओ मम्मा, इज्जत मको निकालो, आओ रे भाई आओ रे भाई, इज्जत मको निकालो, आ जाओ आ जाओ। नहीं जाना पड़ेगा, दाना नहीं है यार, वो भी समझ गए, वो बेचार हो गए वो भी। अजमत भाई तुम ऐसे ही करते यार कभी कभी, सदाते बोलते वो भी। चलो अभी इसमें चल रहे माशाल्लाह, ये देखो कितने प्यारे से बैठे हो वहाँ पर। मैं डिस्टर्ब करूँ ना अभी, मैं डिस्टर्ब करूँ ना, पकड़ो 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 पकड़ो, और पकड़ो 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 पकड़ो। कितने बड़े हो गए यार, मस्त बड़े बड़े हो गए, अच्छे हैं वो भी। काका इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम लोग नए सुधरोगे यार, इधर आ जाओ अंदर आ जाओ। काका ये तो अच्छे वाइट है, ये चार मुर्गियाँ, 3 दिन पहले हम ये वाइट मुर्गी को बिठाए थे यहाँ पे। ये वाइट मुर्गी कहाँ पर है काका? उधर वहाँ है वो, भाग नहीं गया, उधर फिर रही हो वाइट वाली मुर्गी, इसमें बिठा देना ना काका। वो रात से बाहर भी लगती मेरे को, बाहर लगी तो अभी वो पूरे अंडे ठंडे हो गए होंगे, कैसा चलेगा काका? तो देखो मेरे भाई आप ये गलती नहीं करना, ये अंडे आप बिठाए मुर्गी को तो उसके ऊपर टोकरा ढाप के 3 दिन तक कंपलसरी आदत करना। अगर जो 3 दिन नहीं बैठ रही 3 दिन में तो 5 दिन तक डेली टोकरा ढापना, 10 मिनट के लिए खाना खाने के लिए छोड़ना, फिर बिठा देना उसको पकड़ के यहाँ पे बिठा दो। रुको और एक काम बताता, रुको
संडे से लेके अभी तक आज। इधर आओ काका, सुनो मेरी बात पूरी सुन के जाओ। इसमें अंडे कहाँ हैं? अंडे बताओ कहाँ हैं? कहाँ रखे अंडे? नहीं है। कहाँ रखे फिर? उधर रखेंगे ऑफिस में रखेंगे काका, ऑफिस में रखेंगे। ये मैं उतनी मेहनत से बुखार में बना के क्या फायदा बोलो? ये मैं लाभम उदा एम लाभम ले मल बेटा लगे दाँटा अन्न का इनला बेटु काका, लो इसमें रखो अंडे पूरे लागे, इसमें रखो रखो, पानी डाल के वो ढापो, ठंडे रहते, गर्मी खराब नहीं होते। नहीं तो 4 दिन के अंदर अंडे के अंदर की पीली जर्दी घुल जाकर उसमें से चूजा नहीं निकलता। ऐसा नहीं करना काका। हाँ गुडला बेटो बेटू नील ले सी कोड़ी में आ गुडला पहना गुजो बेटू। चलिए अभी तो ठीक है सब। इधर के तो इधर इस तरीके से फ्री रेंज एरिया में तो मस्त घूमते फिरते खाते। एक बार वो साइड के बच्चे भी देख लेते। एक मुर्गी के साथ 49 समथिंग चूजे है ना, वो कैसा संभाल रहे थे। इसका डोर ऐसे रहता, ऐसे हम बाहर आएंगे। दोस्तों अभी मैं आफ्टरनून अभी फार्म के पास आया हूँ नमाज पढ़ के, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत क्या दिखाई दे रही है हमारे ये वाले पोजिशन में मुर्गियों के। देखिए गला, ये वाला गले का हिस्सा रहता है ना, तो मार ले रहा है मुंह खोल के थोड़ा सा सांस, मतलब सीआरडी जैसा नहीं, गर्मी ज़्यादा होकर इस तरीके से गला ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो अभी आज शाम में क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रहे जब आपको समझ लेना कि ये हीट स्टॉक है कहकर, यानी गर्मी ज़्यादा हो रही मुर्गी के बच्चों को कम करना गर्मी बोल के। तो अभी तो हम ये वाले चूजों को ऐसे ही रहने देते, इससे बेटर है कि मैं खोल देता यार, इनको खोल देता बाहर थोड़ा झाड़ के नीचे, उधर इधर थोड़ा ठंडक रहती। तो मैं अभी यहाँ पे खोल रहा हूँ इसको, ये देखो अभी आएंगे ये बाहर। आ जाओ मम्मा भाई, इज्जत निकाल दे क्या यार ये? नहीं वो पानी पी रहे थोड़ा सा। अभी ये बाहर आजू बाजू में घूम फिर कर आ जाएंगे। ये देखो मुर्गी हो रही है, वो भी मुर्गी हो रही है, बड़े बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, मस्त है, परफेक्ट है। ये 15 चूजों को लेकर ये वाले पोजिशन में, ये 15 चूजों को भी गर्मी, चूजों को थोड़ा कम होती दोस्त है, यानी थोड़ा झेल लेते हैं चूजे, पर ये बड़े वाले ना थोड़ा मुश्किल है इनको। अभी ये बाहर जाएंगे, आराम से खाएंगे पियेंगे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। बट क्या है बोले तो, ये वाला दाना है ना यहाँ पे, बड़े वाले मुर्गियाँ आकर खा लेते। मैं इनको क्या करता बोली तो, बाहर मार के कड़ी लगा देता। ठीक है एक काम करना है, अगर आपके पास मुर्गियाँ इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे 45 चिक संभाल रही है, सब मस्त है, बढ़िया है, दाना हो गया है, थोड़ा कम डाले होंगे, वो खुद ही जैसा लग रहा है मुर्गी। उसके बाद इनको अपन बाहर रखा लेंगे, बाहर ले लेंगे। चलो चलो मम्मा अभी तुम लोग सब बाहर चलो। ये देखो ये मुर्गा निकलने वाला है, इसको अच्छे से देखो कैसे मुंह वहाँ पर, देखो पंख थोड़ा ढीले, मतलब थोड़ा फैलाते, ढीले ज़मीन को नहीं छोड़ते। यहाँ पर देखो अभी ये देख रहे ना मुर्गियाँ हो रहे यार, ये बहुत सारे मुर्गियाँ निकल रहे, बट अभी इनको मैं बाहर हकालता। चलो चलो बाहर चलो, अभी ये डर रहे यार, अभी बाहर नहीं गए ना बहुत दिन में, नहीं जाकर। ये देखो फाइनली मैं बाहर ले लिया इनको, अभी इधर से रहेंगे आराम से, इधर से थोड़ा ठंडे में, गायों के पास से वगैरह। ये झाड़ है ना इधर, बड़ा झाड़ है ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये झाड़ की छांव में मस्त रहेंगे। थोड़ा सा पानी भी मिलेगा इधर उधर उनको,
तो चलो अभी तो परफेक्ट है, ये बाहर निकाल ली। कमज़ोर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मुर्गी पालन में ऐसा है कि बीमारी नहीं आई सो पहले ही आप क्या दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आने वाली है ये पहचान कर आप उसको, उसके रिलेटेड आप कुछ भी स्टेप्स लोगे ना, कदम लोगे ना, तब आपके बर्ड्स एकदम एक्टिव में रहते, अच्छे रहते, मोर्टैलिटी नहीं होती।